हेलो दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के 8.4 जो टॉपिक स्टार्ट किए थे लोग, उसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ जाए हैं। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जो 8.4 का, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन देवे करता है। तो इस क्वेश्चन को आसान से आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए, वो बेस्ट से बेस्ट तरीका आप लोग आज हम बताएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक पूरा देखते रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्रूव करना है, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। तो पहले तो इसका रूल समझ लीजिए, प्रूव करेंगे कैसे। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को अगर किसी दूसरे में कन्वर्ट करना हो, प्रूव करना हो, तो सबसे पहले दिया गया मान हम देखेंगे साइन कॉस में है कि नहीं है। अगर साइन कॉस में है तो ठीक है, अगर साइन कॉस में नहीं है तो उसको सबसे पहले हम साइन कॉस में चेंज करेंगे। और उसके लिए बस ये चार फॉर्मूला अपने माइंड में आप सेट रखिएगा। अगर सेक थीटा आता है, पहले आप लोगों को बताए थे, तो लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा। कॉसेक थीटा आता है तो लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा। अगर टेन थीटा आता है तो लिखेंगे साइन बाई कॉस थीटा। अगर कॉट थीटा आता है तो लिखेंगे कॉस बाई साइन थीटा। ये हो गया। ये चार फॉर्मूला के आधार पर टोटल टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट किया जाएगा। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। इक्वल के इधर वाला को हम एल एच एस बोलते हैं और इक्वल को उधर वाला को हम आर एच एस बोलते हैं। यानी कि एल एच एस को आर एच एस में कन्वर्ट करिए, यानी इसका मान इसके बराबर ला दीजिए या फिर इसका मान इसके बराबर ला दीजिए, प्रूव हो जाएगा। तो हम लिखते हैं एल एच एस से, उसको उतार लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है कॉस थीटा का मान होता है, अभी जस्ट हमने बताया कि यहाँ पर कॉस थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि दिया गया क्वेश्चन जो है वो साइन कॉस में नहीं है, कॉसिक और कॉट में। तो हमारा सबसे पहला काम होगा इस क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करें। तो कॉसिक का मान होता है 1 बाई साइन थीटा और कॉट का मान होता है कॉस बाई, देखिए कॉट का कॉस बाई साइन थीटा, पावर 2 है, होल पावर 2 हो गया। अब ये वैल्यू हमारा साइन कॉस में आ चुका है, तो अब क्या करेंगे, आगे स्टेप आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ भी बटन में लिखा हुआ, यहाँ भी बटन में लिखा हुआ, एलसीएम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर में आ जाएगा। तो साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल आउट 1 से 1, फिर साइन साइन कैंसिल, कॉस है तो कॉस थीटा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ये जो होल स्क्वायर है ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी, ये दोनों के साथ है, तो हम इसको दोनों के साथ अलग अलग लिख सकते हैं। इतना का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। और आपको याद होगा पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाला जाए तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या यहां पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं, ये होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर का मान लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो अभी किसी फॉर्मूला के फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा है, हम क्या करते हैं इसको पावर स्क्वायर कर लेते हैं। अभी दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम और आगे लिख सकते हैं, ये पावर 2 है, इसको हम दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको दोबारा लिख सकते हैं 1 और एक बार ये लिख दिए क्योंकि पावर 2 है, इसको हमने दो बार लिख दिया। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। जैसे ये मैथ का टॉपिक कंप्लीट होगा, आप लोग इसके बाद बायोलॉजी का स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री का भी एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे। तो अभी 8.4 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए हैं, इसलिए हम वीडियो जो भी बना रहे हैं वो 8.4 के अभी बना रहे हैं। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद आप लोग अगला वीडियो साइंस का स्टार्ट हो जाएगा, बायोलॉजी का या फिर केमिस्ट्री का या फिर फिजिक्स का। तो कोशिश हम करेंगे पहले बायोलॉजी ही पढ़ाएं, बायोलॉजी पढ़ाने के बाद आप लोग अगला टॉपिक केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। तो ये 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए तो क्या प्रूव करना था, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, हमने जो प्रूव किया वो आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस, यानी कि इस क्वेश्चन को हमने इतना लाया। एल एच एस का मान किसके इक्वल हो गया, आर एच एस को लिख देंगे, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये क्या हो जाएगा प्रूफ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो इस क्वेश्चन को या तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर आप वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आपके किताब का क्या दिया हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका। ये फर्स्ट आप प्रूव कर रहे हो, पहला क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस ए, क्वेश्चन है कॉस ए बाई वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बाई कॉस ए, क्या प्रूव करना है, टू से ये हमें प्रूव करना है। अब ध्यान दीजिएगा इधर, हमने आपको अभी जस्ट एक नियम बताया था कि अगर दिया गया क्वेश्चन साइन कॉस में है तो ठीक है, अगर साइन कॉस में नहीं है तो पहले इसके अकॉर्डिंग हम उसको साइन कॉस में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और साइन कॉस में चेंज करने के बाद हम आगे अपना प्रोसेस करेंगे। अगर बट्टा का जो है तो बट्टा का जो करें, घटा घटा जो भी प्रोसेस हो, क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। बल्कि क्वेश्चन किस में होना चाहिए, सबसे पहले साइन कॉस में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये LHS और ये क्या, तो आप ध्यान से देखिए इस टॉपिक को, इतना को ये प्रूव करना है कि तो पहले से साइन कॉस में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसका डायरेक्ट LCM निकाल के बनाना स्टार्ट कर देंगे। LHS दोनों का LCM अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू वन प्लस साइन, इतना से इसमें डिवाइड करेंगे इससे ये कैंसिल आउट हो गया। कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, वन प्लस साइन यहाँ भी है और वन प्लस साइन यहाँ भी है, तो वन प्लस साइन कितनी बार, दो बार हुआ, तो ये होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें, यहाँ पर होल स्क्वायर की है, देखिए कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच्चे हमारा वन प्लस साइन है और ऊपर भी वन प्लस साइन है, तो वन प्लस साइन ए में वन प्लस साइन ए से गुना करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, दो बार, तो हम इसको लिख सकते हैं वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए और बी बटा कॉस ए इंटू वन प्लस साइन, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब ध्यान देखिएगा, कॉस ए स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान वन होता है, तो हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जगह पर वन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वन स्क्वायर का तो वन ही होगा, प्लस टू साइन ए है तो टू साइन ए बटा कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए, कोई दिक्कत यहां तक, एक और एक ऐड करने कितना होगा, टू प्लस टू साइन ए बटा, इस चैप्टर को 8.4 जो एक्सरसाइज दिया हुआ है इसमें कि ये सिद्ध करने का क्वेश्चन बहुत पूरा का पूरा रिवाइज कर लीजिएगा लोग, इसमें से एक से दो क्वेश्चन 100% है कि देवे करेगा प्रूव करने के लिए, अगर लॉन्ग दिया तो एक ही को देगा और शॉर्ट शॉर्ट देगा तो दो क्वेश्चन दे देगा, लेकिन वो आता है 5 नंबर में। यहां से हमने क्या किया, वन प्लस साइन है, अब देखिए यहां भी टू है और यहां भी टू है, तो इसको टू कॉमन निकाल सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, तो वन प्लस साइन यहां हो गया पटा कॉस इंटू वन प्लस साइन ए, ये टोटल से टोटल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बराबर टू बाई कॉस, लो हमें प्रूफ करना था सेक में, वैल्यू आ गया कॉस में, कोई दिक्कत नहीं है, हम जानते हैं कॉस इंटू सेक इज इक्वल कितना होता है, वन होता है, और कॉस का मान वन बाई सेक होता है, तो हम क्या करेंगे, यहां लिख सकते हैं टू बाई कॉस के जगह पर वन बाई सेक नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर कॉस ए इंटू सेक, कॉस ए इंटू सेक ए का वैल्यू वन होता है, तो हम यहाँ सेक ए का वैल्यू निकाले तो वन बाई क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, या फिर कॉस का मान निकाले तो वन बाई क्या होगा, सेक ए हो जाएगा, तो हमें तो सेक में प्रूफ करना था, यहाँ हमारा वैल्यू आ गया कॉस में, तो हम क्या करेंगे इसको सेक में कन्वर्ट कर देंगे, तो कॉस का वैल्यू वन बाई सेक लिख दिए, अब ये सेक बाबू कुदुक के कहाँ जाएंगे, ऊपर, अब ये कुदुक के नहीं जाते, इसका रूल्स होता है बता देगा इधर साइड में कहीं, फिर देख लीजिए तीन रूल्स बताते हैं, बच्चा सब अधिकांश इसमें गलती कर देता है सब, देखिएगा पहला तरीका ए बटे बी बटे सी बटे डी,
लगता है इतना रोबट आ गया। इसमें ये दोनों एक साथ खूब ध्यान से कहीं नोट कर लीजिएगा कॉपी में, और ये दोनों एक साथ। अब इस कंडीशन पर कोई क्वेश्चन आता है तो हम इसको क्या करेंगे, ए बाई बी इंटू नीचे लेवल कहा जाएगा डी बाई सी, ऐसे लिखा जाता है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है, ए अकेले है और नीचे बी बटा सी दोनों एक साथ है, इसमें भी ए तो ये अपने जगह पर रहेगा, सी कहाँ जाएगा ऊपर और ये कहाँ जाएगा नीचे। तीसरा कंडीशन क्या होता है, ए बटे बी एक साथ, ये दोनों एक साथ है और बेचारा सी अकेले है, तो हर एक नंबर के नीचे एक छिपा हुआ रहता है, एफ को नीचे एक छिपा हुआ है, इसको भी ऐसे ही करेंगे, ए बटा बी एक कहाँ चलेगा ऊपर, सी कहाँ जाएगा नीचे। तो देखिए तो ये वाला जो टॉपिक था हर दोनों एक साथ था और ये अकेले था, तो ए बटा बी बटा सी, बी बटा सी एक साथ, बी बटा सी एक साथ है, सी कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा और बी कहाँ आएगा नीचे आएगा, तो सी वाला वैल्यू है ऊपर आएगा और नीचे आएगा, तो दो का दो और सेक मतलब नीचे, सिंपल समझिए नीचे वैल्यू है किसके साथ चल जाएगा ऊपर दो के साथ लग जाएगा, टू सेक के मतलब क्या हो जाएगा ये प्रूफ हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारा ये था बनाते के साइन को उसमें दिया हुआ था, फॉर्मूला ज़्यादा यूज नहीं किया, एलसीएम निकाला सॉल्व करते गए, सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या गया टू सेक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको नोट कर लीजिए फिर मिटाते हैं, मिटा दिया जाए। एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, कम से कम एक वीडियो में तीन से चार क्वेश्चन बनाया जाएगा, ये तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, एक रूट वाला क्वेश्चन है जो हर एक साल एग्जाम में आता है, हर एक साल क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखे हैं, अंडर रूट वन प्लस साइन ए बटा वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन है। बालक ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, ये हर एक साल दो साल के बाद गैप करके पूछ भी करता है, तो आप इस क्वेश्चन काफी ध्यान से समझिएगा और कोशिश करिएगा दो बार तीन बार इसको बनाए अपने मन से। देखिए इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट वाला एल एच एस ये है और ये आर एच एस है, तो लिख देते हैं एल एच एस से वन प्लस साइन ए बटा वन माइनस साइन ए, रूट में वैल्यू दिया हुआ है, ये भी रूट में है ये भी रूट में है। हम क्या करते हैं इस नीचे वाले का, आप लोग नाइन्थ क्लास में पढ़े होंगे, हर का परिमेयकरण करना, जैसे मान लिया गया एक बटा रूट दो कहेंगे इसका परिमेयकरण कीजिए, तो हम क्या करते थे जो मान नीचे रहता था वही ऊपर नीचे लिख देते थे और मल्टीप्लाई कर देते थे, हो गया ये आंसर। तो यहाँ पर इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला वैल्यू है इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे, माइनस है तो वन का वन, माइनस तो चीजें चेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, अगर प्लस रहेगा तो साइन माइनस का यूज करेंगे, माइनस रहेगा तो साइन प्लस का यूज करेंगे, साइन ए बटा वन प्लस साइन ए। अब यहां पर ध्यान देखिए वन प्लस साइन ए यहां भी है और वन प्लस साइन ए यहां भी है, दो बार है तो हम लिख सकते हैं वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, वन का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू वन आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद करिए बताया था आप लोगों को कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसके जगह पर हम ये वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या कर दिया कॉस स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर है यहां भी स्क्वायर है, तीस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, वैल्यू बच गया वन प्लस साइन ए बटा कॉस ए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कॉस ए बालक, ये जो कॉस ए है ये इस एक के साथ भी है और ये जो कॉस ए है ये साइन के साथ भी है, कैसे आप लोग पढ़े होंगे इसे वैल्यू, मान लो लिखते हैं दो बटा चार प्लस तीन बटा चार, तब एलसीएम निकालते तो ये लिखते हैं दो प्लस तीन, दो प्लस तीन बटा का चार है, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं ये चार को इस दो के साथ भी अलग कर सकते हैं और ये चार को इस तीन के साथ भी अलग कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, अगर ये नीचे कॉस है तो ये कॉस इस एक के साथ भी होगा और यही कॉस इस साइन के साथ भी होगा, तो हम लिख सकते हैं इसको यहाँ पर वन बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए,
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बस समझ में आ रहा है? अभी ध्यान दो, वन बाई कॉस प्रूफ क्या करना था, से के प्लस टेन है, हमें प्रूफ करना है से के प्लस टेन है। तो वन बाई कॉस का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, वन बाई कॉस का मतलब होता है से के, और साइन बाई कॉस का मतलब क्या होता है टेन है, और ये हमें प्रूफ करना था। बिल्कुल आसान है ये, एकदम आसान क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है और सबसे आसान भी क्वेश्चन है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, इसको मिटा कर फिर अगला क्वेश्चन तक हम बढ़ते हैं। एक बार आपका समझना, एक बार समझ लीजिए, शुरू से बताते हैं। ये आपका क्वेश्चन था, रूट में वन प्लस साइन है, वन माइनस साइन है, से के प्लस टेन हमें प्रूव करना था। तो इस वैल्यू को हमने सेम टू सेम उतारा और हमने बोला कि ये जो वैल्यू नीचे वाला वन माइनस साइन है इसका परिमेयकरण कर दीजिए, और परिमेयकरण करना आप नाइन्थ क्लास में सीखे हैं। तो जो मान नीचे है ये वन माइनस साइन जो है इसी को ऊपर नीचे लिखेंगे, साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब वन प्लस साइन यहाँ भी आ गया, वन प्लस साइन यहाँ भी दो बार हो गया, इसको दो बार कर दिए। ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वाला वैसे ही मान उतारे, वन माइनस साइन स्क्वायर का मान होता है कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से उठट गया तो वन प्लस साइन है बटा कॉस है, वन बाई कॉस का मान यहाँ पर लिख दिए, साइन बाई कॉस का मान यहाँ पर लिख दिए, वन बाई कॉस से के साइन बाई कॉस टेन, इट इज द फाइनल आंसर। चलिए एक अलग क्वेश्चन की बात करते हैं हम, जितना भी बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन होगा इस चैप्टर में पूरा का पूरा बताएंगे, बस आप लोग टोटल वीडियो देखते रहिए। अगर कोई डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा हो तो सबसे पहले जाकर आप 8.4 का जो बेसिक हमने बताया था, फॉर्मूला जो पढ़ाए थे, उस वीडियो को जाकर एक बार देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन, एक और बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बना थे, दो तक, तीन नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तीन नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनेगा इसलिए इसको रोक के पहले चार बताए थे। क्वेश्चन नंबर तीन दिया हुआ है, टेन ए टेन थीटा बटा वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा वन माइनस टेन थीटा बराबर वन प्लस सेक थीटा प्लस इसको हटाइए कॉस एक थीटा इंटू कॉस एक थीटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में देता है तो एक एक क्वेश्चन देगा पांच नंबर का, कैसे छोटा में बनेगा नहीं, ये काफी लंबा होगा। आइए स्टार्ट करते, देखते हैं कैसे बनता है ये LHS। ये आपका क्वेश्चन है, ये LHS है और ये क्या है, आपको याद होगा कि हमने जस्ट जब वीडियो स्टार्ट किया तब भी बताया है कि अगर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी दूसरे फॉर्म में चेंज करना हो या सिद्ध करना हो तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ साइन कॉस है कि नहीं है, अगर साइन कॉस है तब तो ठीक है, अगर साइन कॉस नहीं है तो उसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अधिकांश क्वेश्चन वाला अधिकांश क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का साइन कॉस में चेंज करने के बाद ही बनाया जाता है, तो पहले हम इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे, यानी कि टेन दिया हुआ है कॉट दिया है तो उसको साइन कॉस में ला लेंगे, उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। और जो जो प्रोसेस आपके सामने दिखाई दे उस प्रोसेस को अपनाते जाइए, ऑटोमेटिक अगर सही प्रोसेस आपका होगा तो आंसर ऑटोमेटिक है कि आपका आ जाएगा, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर दिया हुआ टेन थीटा, तो आप बताइए टेन का मतलब क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बटा कॉट का मान कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बढ़िया, यहाँ तक सेम वही काम, फिर यहाँ पर जाकर समझ लीजिए, ठीक है। देखिए इधर अभी जो काम हमने यहाँ किया बालक वही काम यहाँ करेंगे, प्लस कॉट है तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटा वन है तो वन माइनस टेन का मान साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है इतना। अब इसके नीचे कुछ ना एक चिपका सकते हैं, इसके नीचे भी कुछ ना एक चिपका सकते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटा साइन और एक कैल्सियम तो साइन होगा, साइन थीटा कम साइन थीटा, माइनस है तो माइनस, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, फिर प्लस, सेम प्रोसेस इधर अपनाएंगे, जो काम इधर करिएगा वो काम इधर। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, एक बार अगर समझ में आ जाए तो दोबारा गलती नहीं हो सकता है, और रटिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो कोशिश करिए मैथ जब भी बनाए तो उसको समझ के बनाए, रटे नहीं। साइन थीटा वाई कॉस थीटा, ये नीचे वाला वैल्यू कहाँ जाएगा, कले से कले कर अभी अभी जस्ट बताएं आप लोग को कि ये वाला जो ए बटा बी बटा सी बटा डी के फॉर्म में जब होता है
तो सबसे नीचे वैल्यू कहाँ जाता है ऊपर, तब इसको लिख सकते हैं इतना साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस क्या कॉस थीटा फिर प्लस। सेम प्रोसेस यहाँ भी अपनाएंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस कहाँ चला गया ऊपर बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब तो गॉस से आप देखिए, यहाँ है साइन माइनस कॉस और यहाँ है कॉस माइनस साइन, सिर्फ चिन्ह का डिफरेंस है। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ साइन माइनस कॉस है, तो यहाँ भी साइन माइनस कॉस हो जाएगा और यहाँ भी साइन माइनस कॉस हो जाएगा, तो हम इस टोटल का एलसीएम निकालना काफी आसान हो जाएगा। ऐसे एलसीएम निकालेंगे घबरा जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल देते हैं। आप बताइए, अगर मान इधर समझिएगा थोड़ा सा, आप कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसमें से अगर हम माइनस कॉमन निकालें तो हम ये नहीं लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस में हो जाएगा, ये वाला वैल्यू लिखेंगे और बाहर माइनस आएगा। तो ये प्लस और ये माइनस मिलकर यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर साइन साइन से गुना किए तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये प्लस के जगह हम क्या लिख देंगे माइनस लिख देंगे। अब क्यों लिखे अभी जस्ट आपको हम ये बात बता चुके हैं, इसको क्या करेंगे आप साइन माइनस कॉस, यानी कि कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि यहाँ जो हमने माइनस कॉमन निकाला था बाहर, वो माइनस कॉमन निकालने के कारण ये वैल्यू आया साइन माइनस कॉस, अब प्लस और माइनस क्या बना दिया इसको माइनस बना दिया। अब देखिए यहाँ भी साइन माइनस कॉस है, यहाँ भी साइन माइनस कॉस, अब आसानी से हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं और बना सकते हैं। तो क्या करते हैं दोनों का एलसीएम, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस क्या कॉस थीटा, ये दोनों सेम है, ये वाला सेम है, इसको एक बार लिख दिए और बाकी जो बचे उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला इस तरह से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस साइन कॉस, देखिए कॉस साइन कॉस ये कटेगा, ये कट गया, ये कट गया, क्या बच गया बालक साइन बच गया, और ऊपर को वो साइन है, दो वो साइन है, दो वो साइन है, एक वो साइन मिलकर को वो साइन हो जाएगा तीन वो साइन हो गया, कोनो प्रकार का दिक्कत। फिर इधर आते हैं थोड़ा इसको सुधार लेते हैं, यहाँ आइए साइन साइन कॉस, तो साइन 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 कॉस तीनों कैंसिल हो गया, डिवाइड जब करेंगे इतना में इतना से तीनों कैंसिल, बच क्या गया कॉस थीटा, तो दो को कॉस और एक को कॉस कितना हो जाएगा तीन को कॉस थीटा, किसी प्रकार का दिक्कत। चलिए तो इधर बढ़ते हैं, आगे आते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मजा नहीं आएगा कंजेस्टेड हो जाएगा, इसको इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद इतना बस हम मिटा रहे हैं, इतना मिटा के इतना में बना देंगे। ठीक है यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक कर ये इतना वैल्यू बस मिटा दे रहा है यहाँ से। अगर जहां डाउट हो समझ में नहीं आया एक बार दो बार वीडियो को रुक कर देखिए, एक बार में समझ में आएगा, दो बार में समझ में आएगा, तीन बार में समझ में आएगा, दो बार तीन बार देखिए। देखिए इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कोनो प्रकार का तकल्लुफ नहीं है। आगे आइए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, दिस माला पीटी करके मर गया सब खत्म, ये दोनों कट गया। यहां देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, द फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल वन, बताए थे पहले आप लोगों को इसका वैल्यू क्या होगा एक होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना इसका मान ए प्लस साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, अब बट्टा में आ जाएगा बाबू ये वाला कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर आगे बात करते हैं,
ये जो मान है एकरो साथ है और ये जो मान है इसके भी साथ है, ये वाला वैल्यू दोनों के साथ है, इसके भी साथ है, और तभी दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। वन बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्वेश्चन कोई भी हार्ड नहीं होता है, कोई कि स्टूडेंट कहता है ना मैथ बड़ी हार्ड है या क्वेश्चन बहुत हार्ड है, अगर आपको मैथ समझ में आ गया तो आसान लगेगा, मैथ आसान है, और जो मैथ समझ में नहीं आता वो मैथ हार्ड है, हार्ड कुछ भी नहीं होता है, आप कोशिश करिए उसको बनाने का बस। वन बाई कॉस का मान वन बाई कॉस सेक थीटा, वन बाई साइन कॉस सेक थीटा, और फिर दोनों सब सब क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बच गया वन, तो सीधा क्या लिख देवत है सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, यही ना प्रूव करना था क्वेश्चन, देखिए प्रूव यही करना था, देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने आपको ये क्वेश्चन को बताया, लेंदी था थोड़ा सा, लेंदी क्या है बस कुछ का प्रोसेस, लंबा क्वेश्चन दिया था प्रोसेस ज्यादा हो गया भाई, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, वीडियो को एक बार दो बार देखिए और इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट करिए और इसको एक बार दो बार बनाने का प्रैक्टिस करिए, जब तक अपने मन से बनाने नहीं आए तब तक छोड़िए मत, क्योंकि आपको पहले बता दिए हैं कि इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन देने करेगा फिक्स है, तो इसको दो बार तीन बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बना लीजिए, प्रैक्टिस करने से आपको क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं काफी अच्छा सा क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं आप, एक और एकदम बढ़िया क्वेश्चन बताते हैं, बाकी जो क्वेश्चन इसमें का बचेगा नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन बताएंगे इसमें काम सेवन, सेवन नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सेवन बता दे या एट, सेवन ही बता देते हैं, अगला वीडियो में बाकी खत्म कर दिया जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा बटे टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या लाना है टेन थीटा लाकर प्रूव कर देना है। देखिए ध्यान से, अब एल एच एस और ये क्या है आर एच एस, हमने बताया सबसे पहले देखिए साइन कॉस में है कि नहीं है, वैल्यू दिखाई दे रहा है साइन कॉस में, कुछ चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है, बस डायरेक्ट हम बनाना स्टार्ट कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे इसमें, तो हम क्या करते हैं देखिए यहाँ पर आंख से देखिए, इसमें बाबू साइन है या भी क्या है साइन है, हम चाहते से पट्टी पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं, बाहर खींच सकते हैं, इसको कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, क्या कॉमन निकालेंगे कॉस, और साइन बाई कॉस का वैल्यू क्या गया टेन प्रूव हो गया। एक लाइन का क्वेश्चन है देखिए बनाते हैं, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, साइन कॉमन निकाल लेंगे, ये हट गया, तीन को साइन था एक हट गया दो को बच जाएगा, बट एल एच एस यहाँ देखिए यहाँ भी कॉस है और यहाँ भी बाहर आ गया कॉस थीटा, क्या हो जाएगा टू कॉस थीटा माइनस, कोई तकलीफ नहीं आता, अगर ये दोनों कट जाए तो वैल्यू तो सीधा हो गया हमारा वैसे ही प्रूव हो जाएगा, तो चलिए इसको आगे बना देते हैं, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा वन का वन माइनस टू का टू, और यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा का मान, देखिए अगर दोनों कॉस में या दोनों साइन में होगा तभी ना कैंसिल होगा, अगर एक साइन में एक कॉस में होगा तो कैंसिल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो या तो दोनों को कॉस में कर लो या तो दोनों को साइन में कर लो, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, फिर देखिए आगे आप फॉर्मूला ये साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस, पहला आइडेंटिटी से यही निकलता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम साइन स्क्वायर थीटा का जगह पर लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में वैल्यू तो वही रह जाएगा, कोई तकल्लुफ नहीं, साइन बाई कॉस का वैल्यू क्या होता है साइन बाई कॉस का वैल्यू हो जाता है टेन थीटा, ठीक है यहाँ तक, वन माइनस दो एकम दो माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टेन थीटा माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर टू कहाँ गया, दो एकम दो छूट गया है, यहाँ पर दो लगा दीजिएगा छूट गया था, दो एकम दो माइनस माइनस प्लस दो सी से मल्टीप्लाई करेंगे टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी दो आगे चिपक जाएगा बटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में, अब बताइए दोनों सेम दिखाई दे रहा है प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, क्या बच गया टेन थीटा बच गया, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था,
देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना आसान है, बस मुश्किल से एक से दो स्टेप गया, क्वेश्चन बन गया। तो अभी तक हमने लगभग कितने क्वेश्चन बता दिए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बता दिए। तो आप इस सभी क्वेश्चन को एक बार शुरू से, मान लीजिए जहाँ डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, उस वीडियो को भी एक बार दोबारा देख लीजिए, दिमाग बात सेट हो जाएगा। और इन सब क्वेश्चन को कॉपी में बनाइए, रिविजन करिए, फिर आगे के वीडियो में, आगे क्लास में हम आप लोग को बाकी जो क्वेश्चन चैप्टर का बच गया वो बताने के बाद बायोलॉजी या केमिस्ट्री आप लोग का स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। Thank you.